हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नील्स किचन। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और चटपटी आम और प्याज की सब्जी। आम की बहुत ही अलग अलग रेसिपी आप बनाते ही होंगे, पर क्या आपने कभी आम और प्याज की ये सब्जी टेस्ट की है? अगर नहीं तो आप इसे जरूर ट्राई करें। जिसे भी थोड़ा सा चटपटा या मीठा खाना पसंद है उसे ये सब्जी जरूर पसंद आएगी। आप इसे रोटी, पूरी, पराठे और भाखरी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आम की सब्जी बनाने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए तोतापुरी आम। ये सब्जी खास करके तोतापुरी आम से ही बनती है, क्योंकि जो तोतापुरी आम होता है वो थोड़ा सा हार्ड यानी कि कड़क होता है, यानी कि गला हुआ नहीं होता है, और साथ में ये थोड़ा सा खट्टा मीठा भी होता है। साथ में लेंगे 4 मीडियम साइज की प्याज। प्याज की मात्रा आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे हम आम को अच्छे से छील कर इसे टुकड़ों में कट कर लेंगे और प्याज को भी हम इसे कट करके रख लेंगे। यहाँ पे जो आम यूज कर रहे हैं उसके टुकड़े ज्यादा छोटे ना करें, नहीं तो आम गल जाएगा। अब सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून मूंगफली का ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। ऑयल गरम होते ही उसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा। आम की सब्जी में हमेशा जीरा बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है, तो राई की जगह पे आप जीरे का ही इस्तेमाल करें। जीरा थोड़ा सा भून जाए उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे 2 से 3 चुटकी भर हींग। साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। बाकी के मसाले अभी हम नहीं करने वाले। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 से 3 हरी मिर्च टुकड़ों में कटी हुई। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे जो हमने प्याज छील कर काट के रख ली है वो प्याज हम इसमें डाल देंगे, और प्याज डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही खुला भून लेंगे। प्याज को भूनने के बाद हमें इसे ढककर 5 मिनट के लिए पका लेना है। ये सब्जी बनाने में बेहद आसान है और टेस्ट में बहुत ही चटपटी होती है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। हम इसे 5 मिनट के लिए ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से भून चुका है। हमें इसे एकदम ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा भून जाए उतना ही हमें इसे पकाना है। अब हम यहाँ पे बाकी की सामग्री ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम डालेंगे आम जो हमने टुकड़ों में कट करके रखा हुआ था। यहाँ पे आपको मैंने बताया वैसे तोतापुरी आम ही लेना है, इसके अलावा आप कोई भी आम लेना चाहे तो जरूर ले, पर वो ज्यादा पका या गला हुआ नहीं होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बाकी के मसाले कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। साथ में डालेंगे 2 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, और नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार। यहाँ पे अगर आप चाहें तो अचार मसाला जो आता है वो भी इसमें डाल सकते हैं, इससे सब्जी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो कश्मीरी मिर्ची की जगह रेगुलर मिर्ची भी ले सकते हैं, पर कश्मीरी लाल मिर्च का जो रंग आता है सब्जी में वो बहुत अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप इसे ड्राई सब्जी की तौर पे सर्व करना चाहते हैं तो मसालों को इसमें मिक्स करने के बाद सिर्फ 4 से 5 मिनट के लिए इसे इसी तरीके से खुला पका ले, और फिर आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे आप स्टफिंग के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, पर यहाँ पे हम थोड़ा सा रसा करेंगे सब्जी में, थोड़ा सा कैरी को आम को गलाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी डाला है। ज्यादा पानी आपको इसमें नहीं डालना है, नहीं तो सब्जी बहुत ही रसे वाली हो जाएगी। पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसे ढककर पकाएंगे। यहाँ पे हमें इसे फिर से 5 मिनट के लिए ढककर पका लेना है। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है। 5 मिनट के बाद आप इसे खोल के चेक कर ले। यहाँ पे हमारी सब्जी तैयार होने को है। ये देखिए ऑयल भी छूट रहा है और जो हमने पानी डाला था वो भी इसमें नहीं है, और जो सब्जी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो चुकी है, यानी कि जो हमने कैरी या आम डाला हुआ है वो भी सॉफ्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें इसे ज्यादा नहीं गलाना है। सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। सजाने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया, और यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे परोसेंगे। ये सब्जी खास तौर पे उत्तर गुजरात में यानी कि साउथ गुजरात में परोसी जाती है, और जिसे भी खट्टा मीठा खाना पसंद होता है उसे ये जरूर पसंद आती है। तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और रेसिपी
अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर।